वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को मेरे प्रीवियस लेक्चर्स पसंद आए होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब हम लोग जो टेक्स्ट इसमें टेक्स्ट हम लोग जो ब्राउज़र में डिस्प्ले कराते हैं उसको हम लोग कुछ स्टाइल्स भी दे सकते हैं, मतलब उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज होता है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। ओके तो ये मैंने एक सेव करके रखा हुआ है, एक पहले से HTML डॉक्यूमेंट सेव करके रखा हुआ है, तो मैं इसका टाइटल दे देता हूँ HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ओके उसके बाद में मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ H1 के नाम से। H1 नाम से इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है। जो बाकी की हेडिंग्स होती हैं H1 टू H6, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग इज़ H1। ओके ये मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया हुआ है। तो मैं हेडिंग के अंदर नोट लिख देता हूँ HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ओके इसके बाद मैं एक हॉरिजॉन्टल रूल ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है कि HTML फॉर्मेटिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं। इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्टाइल के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास में एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ मैं, इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट कॉपी करता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ ए पैराग्राफ। ओके अब अगर मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ तो ये किस तरह से आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर मैंने फॉर्मेटिंग नाम से सेव किया हुआ है, मैं इसको ब्राउज़र पर ओपन करता हूँ क्रोम पे। तो ये अभी हमारे पास में इस तरह से आ रहा है, मतलब जो जिस तरह से हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है, जो ब्राउज़र जिस तरह से डिस्प्ले कराना चाहता है वो उस तरह से डिस्प्ले करा रहा है। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ कि इसको कुछ स्टाइल्स देता हूँ। ओके तो उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितनी स्टाइल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। जैसे एक होता है हमारे पास में बी टैग होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग, ओके एक होता है हमारे पास में आई, एक होता है ईएम, उसके बाद में हमारे पास होता है मार्क, ओके ये मैं सिर्फ ओपनिंग टैग्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसके साथ में क्लोजिंग टैग भी आपको यूज़ करना होगा ताकि ये प्रॉपर डिस्प्ले अपना मतलब डिस्प्ले हो सके, जो भी हम इफ़ेक्ट चाहते हैं वो इफ़ेक्ट उस पर दे सके। INS होता है एक, एक सब होता है, एक SUP होता है जिसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। ओके तो इस तरह से हैं इसके अंदर कुछ, तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। तो जैसे मेरा यहाँ पे एक पैराग्राफ था, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। ओके तो मैं फ्रेंड्स क्या करूँगा कि इसके अंदर मैं एक जो पैराग्राफ है इसको मैं बी टैग यूज़ कर रहा हूँ। बी का मतलब होता है बोल्ड। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी पैराग्राफ यहाँ पे हमारे पास में डिस्प्ले होगा ब्राउज़र पे, फ्रेंड्स उसके पहले मैं एक काम करता हूँ कि इसको जो ये टैग्स मैंने यहाँ पे नोट किए हुए मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ब्राउज़र इसको एक टैग की तरह, क्योंकि ये एंगल के साथ लिखा हुआ है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, तो इसका कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे सकता है ब्राउज़र। ओके तो मैं इसको हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। देखिए जैसे मैंने ऊपर मेरा पैराग्राफ था, मैंने क्या किया हुआ है, इस पैराग्राफ पे मैंने पैराग्राफ को बोल्ड किया हुआ है, तो ये हमारा बोल्ड में आ रहा है लिख करके। ओके उसके बाद में हमारा एक आता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, आप इसमें डिफरेंस, मैंने कुछ गलत किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग। ओके अगर आप ये देख रहे हैं इस पे आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, जो यूज़र एक होगा उसको ऐसे डिफरेंस नहीं समझ में आएगा इसमें कि आप बोलेंगे कि ये भी बोल्ड होकर के आ रहा है और स्ट्रॉन्ग में ऐसा क्या अलग है।
एक्चुअली फ्रेंड्स क्या होता है कि जो मैं इसमें स्ट्रॉन्ग टैग जहाँ पे यूज़ करूँगा, ब्राउज़र इसको एक इम्पॉर्टेंट एज ए इम्पॉर्टेंट टैग यूज़ करेगा। मतलब जैसे जो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ कर रहा हूँ, जिस जगह जिस चीज़ पे स्ट्रॉन्ग टैग मैंने अप्लाई किया हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे पैराग्राफ पे अप्लाई किया हुआ है, तो वो एक ब्राउज़र जो भी होगा, जैसे मैं यहाँ पे गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, गूगल क्रोम पे मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, तो गूगल क्रोम इसको एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट एज्यूम कर लेगा बस। और कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, इसका यही डिफरेंस होता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट एज्यूम कर लेगा। ओके, उसके बाद में मेरा आता है एक आई मैं यहाँ पे आई यूज़ करता हूँ, आई का मतलब हो जाता है इटैलिक। ओके, ये देखिए मैंने पैराग्राफ पे आई यूज़ किया तो इटैलिक आ रहा है लिख करके, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ आई के बाद में मैं ई एम एम्फेसाइज्ड टैग टेक्स्ट, बट इसमें भी सेम चीज़ आ जाती है। आप बोलेंगे कि ये और दोनों में डिस्प्ले सेम हो रहा है, बट वही चीज़ जो इसके साथ अप्लाई होती है बोल्ड के साथ में और स्ट्रॉन्ग के साथ में, सेम वही चीज़ इसके साथ भी अप्लाई होती है। जब हम ई एम यूज़ कर रहे होते हैं तो ब्राउज़र उस टेक्स्ट को एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट अज्यूम करता है। ओके, उसके बाद में मेरे पास में आता है स्मॉल। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग टैग हो गया और यहाँ पे क्लोजिंग टैग। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो इस वाले से थोड़ा सा बड़ा है। ओके, तो ये स्मॉल का पर्पस होता है। जैसे मैं आपको एक स्टाइल लेकर के दिखा देता हूँ, स्टाइल मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 20px। ओके, स्टाइल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप प्लीज़ वहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ओके, इस तरह से आपको नहीं समझ में आएगा, मैं ऐसे दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है और ये पैराग्राफ है, मैंने यहाँ वाला जो पैराग्राफ है वो नॉर्मल है, फॉन्ट साइज 30px का लिया हुआ है मैंने, और जो मैंने ये वाला पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है स्मॉल टैग। मीन्स जो इसका पेरेंट होगा उससे कुछ फॉन्ट साइज इसका स्मॉलर होगा। ओके, उसके बाद में मेरा मैं नया टैग आपको दिखाता हूँ, मार्क टैग। ओके, मार्क फ्रेंड्स, मार्क का क्या होता है कि जब हमें कुछ चीज़ हाईलाइटेड करनी होती है तो मैं क्या करता हूँ कि उसके ऊपर मैंने एक मार्क टैग यूज़ कर लिया, अप्लाई कर दिया, तो वो टेक्स्ट हमारा हाईलाइटेड हो जाएगा। ओके, उसके बाद में मेरे पास एक टैग और है, डिलीट। ओके, डिलीट का काम क्या होता है कि जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ वेबसाइट्स विजिट करते होंगे जिस पे कोई शॉपिंग वेबसाइट है, तो उस पे प्राइस लिखा हुआ है, आपके पास में लिखा हुआ आ रहा है 500, और उसके पहले एक दूसरा प्राइस लिखा होता है 700, मतलब 700 के ऊपर एक डिलीट का सिंबल होता है कि पहले इतना प्राइस था, अब अपडेटेड प्राइस इतना हो गया। ओके, तो ये उस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको नया टैग इसके बाद वाला बताता हूँ, उसमें होता है इंसर्टेड। ओके, इसका मतलब क्या होता है, जो भी इसके अंदर इंसर्टेड INS टैग के अंदर जो भी यूज़ करेंगे वो हमारा अंडरलाइन हो करके आ जाता है, मतलब इसके अंदर कुछ टैग इंसर्ट हुआ है। ओके, उसके बाद में आता है हमारे पास में सबस्क्रिप्ट। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे यहाँ पे आप सब यूज़ कर रहे हैं, ओपनिंग टैग हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग टैग हो गया, तो ये देखिए आपका पैराग्राफ जो है सेकंड, जो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ जिसके अंदर सब स्क्रिप्टेड टेक्स्ट के अंदर जो लिखा हुआ है वो हमारा नीचे आ रहा है। इसका यूज़ फ्रेंड्स कब होता है, जैसे आप कोई डेट लिख रहे हैं, जैसे आपने लिखा हुआ है यहाँ पे 2nd ऑफ मार्च लिखना है आपको,
एन डी ऑफ 2nd of March। ओके, तो ये इस चीज़ के लिए होता है, आप इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद में इसी तरह से एक और होता है हमारे पास में सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट। ओके, इसमें क्या होता है कि जो इसका टेक्स्ट होता है ये ऊपर आ जाता है। इसका भी अपडेट के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको लिखना है 4th of March। ओके, आप ऊपर लिख सकते हैं इस तरह से होता है। इसके जो हमारे एचटीएमएल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होते हैं, तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं उसके, आप इसके इसके थ्रू इसको यूज़ करके आप कुछ एचटीएमएल टेक्स्ट जो होता है उसको स्टाइल दे सकते हैं। ओके, तो ये फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक था एचटीएमएल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको ये जो कोर्सेज हैं ये मिलते रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।